हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको फिमोरल शीथ पढ़ाया था और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिमोरल आर्टरी। फिमोरल आर्टरी जो होती है ये चीफ आर्टरी होती है लोअर लिम की सप्लाई की और ये ब्रांच होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की। और अब मैं आपको इसका पूरा कोर्स, एक्सटेंट, ओरिजिन सब कुछ समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट ऐसे होता है, लाई करता है, यहाँ पे होता है ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक लाई करता है, प्यूबिक ट्यूबरकल तक। तो इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसके मिड इंग्वाइनल पॉइंट से एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन होती है फिमोरल आर्टरी। ये इसके पीछे से आती है, बिहाइंड द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, यहाँ पे से ये आर्टरी डिसेंड डाउन करती है और ये फिर आगे चल के बहुत सारी ब्रांचेस देती है। तीन सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं, एक होती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एक होती है सुपरफिशियल सर्कम्फ्लेक्स इलियक आर्टरी, एक होती है सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, एक होती है डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी और यहाँ से एक बहुत ही बड़ी ब्रांच निकलती है जो कि थाई के तीनों कंपार्टमेंट्स को सप्लाई करती है, उसको बोलते हैं प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। इसमें कुछ डीप ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पे होती है मस्कुलर डीप ब्रांचेस बहुत सारी और उसके बाद यहाँ पे होती है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी होती है। ये होती है सुपरफिशियल प्यूडेंटल आर्टरी। ये वाली जो आर्टरी है ये होती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो ब्रांच होती है ये होती है सुपरफिशियल सर्कम्फ्लेक्स इलियक आर्टरी। ये जो ब्रांच होती है इसको बोलते हैं हम प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी, ये एक बहुत ही बड़ी आर्टरी होती है। ये जो ब्रांचेस हैं इनको बोलते हैं मस्कुलर ब्रांचेस, ये भी डीप ब्रांचेस होती हैं, इनका नाम है मस्कुलर ब्रांचेस। और इसका नाम होता है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। तो आपको फिर से समझा देता हूँ, ये है हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड इंग्वाइनल पॉइंट के बिहाइंड से आती है हमारी फिमोरल आर्टरी। फिमोरल आर्टरी की तीन होती है सुपरफिशियल ब्रांचेस और तीन ही होती है इसकी डीप ब्रांचेस। सुपरफिशियल ब्रांचेस में आती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो कि एपिगैस्ट्रियम के रीजन को सप्लाई करती है, सुपरफिशियल सर्कम्फ्लेक्स इलियक आर्टरी और सुपरफिशियल प्यूडेंडल आर्टरी। डीप ब्रांचेस में आती है डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी, प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी और मस्कुलर ब्रांचेस। और एक और आर्टरी होती है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, इसकी ब्रांच होती है। सो ये था कोर्स, अब इसके रिलेशंस की बात करते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये ना फिमोरल ट्राइंगल से पास करेगी क्योंकि फिमोरल ट्राइंगल ऐसे लाई कर रहा है, तो फिमोरल ट्राइंगल और अपेक्स ऑफ फिमोरल ट्राइंगल के नीचे लाई करती है एडक्टर कैनाल, तो ये एडक्टर कैनाल में से भी पास करेगी, फिमोरल ट्राइंगल में भी पास करेगी, एडक्टर कैनाल में भी पास करेगी। और जहाँ पे एडक्टर कैनाल की लोअर मोस्ट पॉइंट है ना, जिसको बोलते हैं जो अपर टू थर्ड ऑफ थाई और लोअर वन थर्ड ऑफ थाई का जो जंक्शन होता है वो होता है एडक्टर कैनाल, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो एडक्टर कैनाल जहाँ पे ख़त्म होती है उस जगह पे एडक्टर मैग्नस में एक टेंडिनियस ओपनिंग होती है जिसमें कि ये आर्टरी जाती है और वहाँ से कंटिन्यू करती है एज पॉपलीटियल आर्टरी। सो होप आपको इसका कोर्स समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट से फिमोरल ट्राइंगल में घुसती है, फिमोरल ट्राइंगल से ये एडक्टर कैनाल में जाती है, एडक्टर कैनाल से ये
और एक टेंडिनियस ओपनिंग इन एडक्टर मैग्नस होती है, एडक्टर मैग्नस मसल में एक टेंडिनियस ओपनिंग होती है, उसके अंदर घुस जाती है और फिर वहाँ से बाहर निकलती है एज पॉपलीटियल आर्टरी। सो ये था इसका कोर्स, इसकी ब्रांचेज आपको समझ आ गई, तीन सुपरफिशियल, तीन डीप ब्रांचेज, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कम्फ्लेक्स इलियक आर्टरी, और डीप ब्रांचेज में डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी और मस्कुलर ब्रांचेस, और एक और ब्रांच होती है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। रिलेशंस ऑफ द फीमोरल आर्टरी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये इंग्वाइनल लिगामेंट है और ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट है, तो मिड इंग्वाइनल पॉइंट में पहले इंग्वाइनल लिगामेंट को लेवल कर लेते हैं, प्यूबिक ट्यूबरकल, ASIS से प्यूबिक ट्यूबरकल तक इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, और ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट है। यहाँ पे से मैंने आपको बताया था फीमोरल आर्टरी फीमोरल ट्रायंगल में एंटर करती है, इसके जब ये फेमोरल ट्रायंगल में एंटर कर रही होती है ना, इसके बिल्कुल मीडियल साइड में ही यहीं से फेमोरल वीन भी एंटर करती है फेमोरल ट्रायंगल में, ठीक है। फेमोरल आर्टरी है ये और ये फेमोरल वीन है। अब ये फेमोरल वीन एंटर तो कर गई बिल्कुल यहाँ पे, बट जैसे ही ये एंटर करेगी इसके थोड़ी देर बाद ही, थोड़ा सा चलने के बाद ही ये बिल्कुल पोस्टीरियर चली जाएगी, मतलब फेमोरल आर्टरी के पीछे चली जाएगी और फिर पोस्टीरियरली ट्रैवल करेगी। जैसे मान लीजिए अगर ये फेमोरल आर्टरी जा रही है तो फेमोरल वीन अब इसके पीछे चली गई, अब इसके लिए पीछे ट्रैवल करती रहेगी। सो एंटीरियर रिलेशंस की पहले बात कर लेते हैं। एंटीरियर में आप देख सकते हो कि ये फेमोरल ट्रायंगल में है, तो फेमोरल ट्रायंगल की जो रूफ होगी वही होगी इसके एंटीरियर रिलेशन। रूफ में क्या आता है फेमोरल ट्रायंगल की, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और एंटीरियर वॉल ऑफ फेमोरल शीट, तो ये इसके एंटीरियर रिलेशंस हो गए। एक बार लिख देता हूँ, एंटीरियर रिलेशंस ऑफ फेमोरल आर्टरी, एंटीरियर रिलेशंस, तो एंटीरियर रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया, स्किन होगा, सुपरफिशियल फेशिया होगा, डीप फेशिया होगा और एंटीरियर वॉल ऑफ फेमोरल शीथ होगी। और पोस्टीरियर रिलेशन की अगर बात करें तो पोस्टीरियर में कौन कौन सी चीजें होंगी, सबसे पहले तो पेक्टिनियस मसल होगी, एडक्टर लॉन्गस मसल होगी, श्वास मेजर मसल होगी और इसके साथ ही पोस्टीरियर वॉल ऑफ फ्यूमोरल शीथ, तो ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन हो गए। तो एंटीरियर रिलेशन रिवाइज कर लेते हैं, एंटीरियर रिलेशंस में जो रूफ ऑफ फेमोरल ट्रायंगल है उसी के सारे कंटेंट्स होंगे, जैसे स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और एंटीरियर वॉल ऑफ फेमोरल शीथ। पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ फेमोरल आर्टरी में पेक्टिनियस मसल, एडक्टर लॉन्गस मसल, श्वास मेजर मसल और पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेमोरल शीथ। मीडियल रिलेशन की बात करते हैं, मीडियली क्या होगा, ये जो फेमोरल वीन है ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट में तो मीडियल साइड में ट्रैवल करेगी विद फेमोरल आर्टरी के मीडियल में फेमोरल वीन करेगी, बट फेमोरल ट्रायंगल में एंटर होने के बाद ये पोस्टीरियर चली जाएगी, ये इस फेमोरल आर्टरी के पीछे चली जाएगी और फिर उसके पीछे ट्रैवल करेगी। और इसके जो लेटरल रिलेशन है वो होते हैं फेमोरल नर्व से, फेमोरल नर्व यहीं से ट्रैवल करती है। आपने पढ़ा ही होगा फेमोरल ट्रायंगल के रिलेशन में कि फेमोरल नर्व जो होती है वो फेमोरल आर्टरी के लेटरली लाई करती है। सो ये थे एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, लेटरल और मीडियल रिलेशन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एंटीरियर रिलेशन में रूफ ऑफ फेमोरल ट्रायंगल के सारे कंटेंट्स आएंगे, जैसे स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और एंटीरियर वॉल ऑफ फेमोरल शीथ। पोस्टीरियर रिलेशन में आएंगे पेक्टिनियस मसल, एडक्टर लॉन्गस मसल, श्वास मेजर मसल और पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेमोरल शीथ। और मीडियल रिलेशन में आएंगे फेमोरल वीन, बट ये फेमोरल वीन फेमोरल ट्रायंगल में एंटर होने के बाद इसके पोस्टीरियर चली जाती है, और फेमोरल आर्टरी जो है इसके जो लेटरल रिलेशन में आएगी वो आएगी ये फेमोरल नर्व। सो फ्रेंड्स, ये था फेमोरल आर्टरी का पूरा कोर्स, ओरिजिन और उसके रिलेशंस। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।